बड़े चालाक निकले किंग खान, आईपीएल 2024 से पहले मचा दिया तूफान। जी हाँ, किंग खान के एक फैसले से आईपीएल में भूचाल मच गया। आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले हलचल मच गई। एक फैसले ने कह सकते हैं कि आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा दाव दिया किंग खान ने। और केवल एक दाव नहीं, अभी किंग खान और भी 2-3 दाव चलने वाले हैं। मतलब कुल मिलाकर साफ है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की कमर तोड़ने वाले हैं। देखिए, ये बात तो आप लोगों को पता चल गई है कि केकेआर के खेमे में गौतम गंभीर शामिल हो गए हैं। इस बात के कयास जो है 2023 से ही लगाए जा रहे थे कि गौतम गंभीर केकेआर में आने वाले हैं, बस ऐलान होना बाकी था। उस वक्त से लगातार चर्चा इस बात की कि गौतम गंभीर केकेआर में आने वाले हैं। जैसे ही गौतम गंभीर केकेआर के खेमे में आए तो केकेआर के खेमे में जश्न होने लगा, क्योंकि कोई चाह रहा था कि गौतम गंभीर केकेआर में आए। लेकिन गौतम गंभीर आने के बाद और कौन से खिलाड़ी हैं जो केकेआर में आने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट से? जी हाँ, एक खिलाड़ी नहीं है, गौतम गंभीर के साथ साथ और भी खिलाड़ी केकेआर में आने वाले हैं जो चर्चाएं चल रही हैं। मतलब कुल मिलाकर बात यह कि किंग खान जो है ना, वो लखनऊ सुपर जायंट्स की कमर को तोड़ना चाहते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स को एकदम कह सकते हैं कि कमजोर करना चाहते हैं, और इसीलिए एक और बड़ा फैसला होने वाला है। तो दरअसल जो खबर हाथ लगी, खबर के मुताबिक लखनऊ सुपर जायंट्स से एक और खिलाड़ी केकेआर में आने वाला है। उसका नाम क्या है? आवेश खान। दरअसल खबर है कि आवेश खान जो हैं, अब वो लखनऊ सुपर जायंट्स से केकेआर में आ सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं केकेआर। आवेश खान को लखनऊ सुपर जायंट्स से आ सकते हैं केकेआर में। उधर से दूसरे खिलाड़ी की एक और चर्चा चल रही है, उसका नाम है दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा को भी केकेआर ट्रेड कर सकती है लखनऊ सुपर जायंट से। और तीसरा खिलाड़ी आप लोगों को पता है, क्विंटन डिकोक। इन तीनों खिलाड़ियों पर नजर है केकेआर की। तो जाहिर तौर पर अगर ये तीनों खिलाड़ी केकेआर में आ गए तो लखनऊ सुपर जायंट्स की तो कमर टूट जाएगी। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास तो मतलब जो तूफानी खिलाड़ी थे वो सारे खिलाड़ी केकेआर में आ जाएंगे। जाहिर तौर पर इन तीनों खिलाड़ियों पर नजर है केकेआर की। अगर शार्दुल ठाकुर जाते हैं तो खबर यह है कि केकेआर जो है ना, वो दो खिलाड़ियों को अपने साथ ले सकती है, जैसे आवेश खान है, दीपक हुड्डा, क्विंटन डिकोक। इन तीनों को केकेआर अपने खेमे में शामिल कर सकती है। और गौतम गंभीर ऑलरेडी आ चुके हैं। गौतम गंभीर के आने से आप लोगों को पता है कि बड़ा असर पड़ेगा। गौतम गंभीर चैंपियन कप्तान रहे हैं केकेआर के लिए। दो बार केकेआर को चैंपियन बनाया था, उसके बाद से केकेआर चैंपियन नहीं बनी थी। 2023 के बाद से लगातार कही भी जा रही थी बातें कि भाई साहब गौतम गंभीर को लाओ, केकेआर को चैंपियन बनाओ। तो जाहिर तौर पर क्रिकेट फैंस की जो वो एक चाहत थी, जो इच्छा थी, वो इच्छा पूरी कर दी है किंग खान। और अब 2024 जाहिर तौर पर बड़ा धमाल होने वाला है, बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। और क्या देखिए, शाहरुख खान ने जो गौतम गंभीर को अपने साथ जोड़ा, तो उन्होंने साफ तौर कर दिया कि हम चाहते हैं कि चंद्रकांत पंडित कोच रहेंगे और गौतम गंभीर मेंटोर रहेंगे। हम चाहते हैं कि वही विनिंग स्पिरिट आए, उसी तरीके से चैंपियन बने केकेआर जिस तरीके से मतलब पहले होता था। तो जाहिर तौर पर केकेआर के साथ जुड़ने के बाद, गौतम गंभीर के जुड़ने के बाद, ये एक बदलाव है और इस बदलाव का असर देखने को मिल सकता है। तो आपका केकेआर के इस फैसले पर, गौतम गंभीर को लेने पर, और जिस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स के तीन खिलाड़ियों पर केकेआर की नजर, आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी सबसे फायदेमंद रहेगा केकेआर के लिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।